वसुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। भगवान हयग्रीव बोले, ब्रह्मन अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि की प्रतिमा के लक्षण बताता हूं, सुनो। मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करें और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिला के बीच में सूत लगाकर उसका नौ भाग करें। नवे भाग को भी 12 भागों में विभाजित करने पर एक एक भाग अपने अंगुल से एक एक अंगुल का होता है। दो अंगुल का एक गोलक होता है जिसे काल नेत्र भी कहते हैं। उक्त नौ भागों में से एक भाग के तीन हिस्से करके उसमें पार्श्वनि भाग की कल्पना करें। एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कांठ, एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कंठ के लिए निश्चित रखें। मुकुट को एक बित्ता रखें। मुंह का भाग भी एक बित्ते का ही होना चाहिए। इसी प्रकार एक बित्ते का कंठ और एक ही बित्ते का हृदय भी रहे। नाभि और लिंग के बीच में एक बित्ते का अंतर होना चाहिए। दोनों उरु दो बित्ते के हों, जंघा भी दो बित्ते की हो। अब सूत्रों का माप सुनो। दो सूत पैर में और दो सूत जंघा में लगावे। घुटनों में दो सूत तथा दोनों उरुओं में भी दो सूत का उपयोग करें। लिंग में दूसरे दो सूत तथा कटी में भी कमरबंद करधन बनाने के लिए दूसरे दो सूतों का योग करें। नाभि में भी दो सूत काम में लावे। इसी प्रकार हृदय और कंठ में दो सूत का उपयोग करें। ललाट में दूसरे और मस्तक में दूसरे दो सूतों का उपयोग करें। बुद्धिमान कारीगरों को मुकुट के ऊपर एक सूत करना चाहिए। ब्रह्मन ऊपर साथ ही सूत देनी चाहिए। तीन कक्षाओं के अंतर से ही छह सूत्र दिलावे। फिर मध्य सूत्र को त्याग दें और केवल सूत्रों को ही निवेदित करें। ललाट, नासिका और मुख का विस्तार चार अंगुल का होना चाहिए। गला और कान का भी चार चार अंगुल का विस्तार होना चाहिए। दोनों ओर की हनु थोड़ी दो दो अंगुल चौड़ी हो और चिबुक थोड़ी के बीच का भाग दो अंगुल का हो। पूरा विस्तार छह अंगुल का होना चाहिए। इसी प्रकार ललाट भी विस्तार में आठ अंगुल का बताया गया है। दोनों ओर से शंख दो दो अंगुल के बनाए जाएं और उन पर बाल भी हों। कान और नेत्र के बीच में चार अंगुल का अंतर रहना चाहिए। दो दो अंगुल के कान एवं पृथ्वी बनावे। भवों के समान सूत्र के माप का कान का स्रोत कहा गया है। बिंधा हुआ कान छह अंगुल का हो और बिना बिंधा हुआ चार अंगुल का, अथवा बिंधा हो या बिना बिंधा, सब चिबुक के समान छह अंगुल का होना चाहिए। गंधपात्र, आवर्त और शशकुली कान का पूरा घेरा भी बनावे। एक अंगुल में नीचे का होठ और आधे अंगुल का ऊपर का होठ बनावे। नेत्र का विस्तार आधा अंगुल हो और मुख का विस्तार चार अंगुल हो। मुख की चौड़ाई डेढ़ अंगुल की होनी चाहिए। नाक की ऊंचाई एक अंगुल हो और ऊंचाई से आगे केवल लंबाई दो अंगुल की रहे। करवीर कुसुम के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के बीच चार अंगुल का अंतर हो। दो अंगुल तो आंख के घेरे में आ जाता है, सिर्फ दो अंगुल अंतर रह जाता है। पूरे नेत्र का तीन भाग करके एक भाग के बराबर तारा काली पुतली बनावे और पांच भाग करके एक भाग के बराबर दुत्कारा छोटी पुतली बनावे। नेत्र का विस्तार दो अंगुल का हो और द्रोणी आधे अंगुल की। उतना ही प्रमाण भवों की रेखा का हो। दोनों ओर की भवें बराबर रहनी चाहिए। भवों का मध्य दो अंगुल का और विस्तार चार अंगुल का होना चाहिए। भगवान केशव आदि की मूर्तियों के मस्तक का घेरा 26 अंगुल का होवे अथवा 32 अंगुल का। नीचे ग्रीवा, गला, पांच नेत्र अर्थात 10 अंगुल का हो और इसके तीन गुना अर्थात 30 अंगुल उसका वेष्टन चारों ओर का घेरा हो। नीचे से ऊपर की ओर का ग्रीवा विस्तार 8 अंगुल का हो। ग्रीवा और छाती के बीच का अंतर ग्रीवा के तीन गुने विस्तार वाला होना चाहिए। दोनों ओर के कंधे 8-8 अंगुल के और सुंदर अंश 3-3 अंगुल के हो। सात नेत्र यानी 14 अंगुल की दोनों बाहें और 16 अंगुल की दोनों प्रभावियां हों। सात नेत्र यानी 14 अंगुल की दो बाहें और 16 अंगुल की दो प्रबाहुएं हों। बाहु और प्रबाहु मिलकर पूरी बांह समझी जाती है। बाहुओं की चौड़ाई 6 अंगुल की हो। प्रबाहुओं की भी इनके समान ही होनी चाहिए। बाहुदंड का चारों ओर का घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कला अथवा 17 अंगुल समझना चाहिए। आधे पर बीच में कुरपर कोहनी है। कुरपर का घेरा 16 अंगुल का होता है। ब्रह्मा जी प्रबाहु के मध्य में उसका विस्तार 16 अंगुल का हो। हाथ के अग्रभाग का विस्तार 12 अंगुल हो और उसके बीच करतल का विस्तार 6 अंगुल कहा गया है। हाथ की चौड़ाई
सात अंगुल की करें। तर्जनी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम अर्थात चार अंगुल की करें। कनिष्ठका और अंगूठे की लंबाई चार अंगुल की करें। अंगूठे में दो पोरू बनावे और बाकी सभी अंगुलियों में तीन तीन पोरू रखें। सभी अंगुलियों के एक एक पोरू के आधे भाग के बराबर प्रत्येक अंगुली के नख की नाप समझनी चाहिए। छाती की जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखें। एक अंगुल के छेद वाली नाभि हो, नाभि से लिंग के बीच का अंतर एक वित्ता होना चाहिए। नाभि मध्यांग उदर का घेरा 42 अंगुल का हो। दोनों स्तनों के बीच का अंतर एक वित्ता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चुचुक यव के बराबर बनावे। दोनों स्तनों का घेरा दो पदों के बराबर हो। छाती का घेरा 64 अंगुल का बनावे। उसके नीचे और चारों ओर का घेरा वेस्टर्न कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा 54 अंगुल का होना चाहिए। उर्वों के मूल का विस्तार 12-12 अंगुल का हो। इसके ऊपर मध्य भाग का विस्तार अधिक रखना चाहिए। मध्य भाग से नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशः कम होना चाहिए। घुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करें और उसके नीचे जंघा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का हो। जंघा के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो। जंघा के अग्रभाग का विस्तार 5 अंगुल और उसका घेरा 3 गुना 15 अंगुल का हो। चरण एक एक वित्ते लंबे होने चाहिए। विस्तार से उठे हुए पैर अर्थात पैरों की ऊंचाई 4 अंगुल की हो। गुल्फ घुट्टी से पहले का हिस्सा भी 4 अंगुल का ही हो। दोनों पैरों की चौड़ाई 6 अंगुल की, गुहा भाग 3 अंगुल का और उसका पंजा 5 अंगुल का होना चाहिए। पैरों में प्रदेशिनी अर्थात अंगूठा चौड़ा होना उचित है। शेष अंगुलियों के मध्य भाग का विस्तार क्रमशः पहली अंगुली के 8वें भाग के बराबर कम होना चाहिए। अंगूठे की ऊंचाई 7 अंगुल बताई गई है। इसी प्रकार अंगूठे के नख का प्रमाण और अंगुलियों से दूना रखना चाहिए। दूसरी अंगुली के नख का विस्तार आधा अंगुल तथा अन्य अंगुलियों के नखों का विस्तार क्रमशः जरा जरा कम कर देना चाहिए। दोनों अंडकोश 3-3 अंगुल लंबे बनावें और लिंग 4 अंगुल लंबा करें। उसके ऊपर का भाग 4 अंगुल रखें। अंडकोशों का पूरा घेरा 6-6 अंगुल का होना चाहिए। इसके सिवा भगवान की प्रतिमा सब प्रकार के भूषणों से भूषित करनी चाहिए। ये लक्षण उपदेश्य मात्र संक्षेप से बताया गया है। इसी प्रकार लोक में देखे जाने वाले अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखकर प्रतिमा में उसका निर्माण करना चाहिए। दाहिने हाथों में से ऊपर वाले हाथ में चक्र और नीचे वाले हाथ में पद्म धारण करावें। बाएं हाथों में से ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में गदा बनावें। ये वासुदेव श्री कृष्ण का चिन्ह है, अतः उन्हीं की प्रतिमा में रहना चाहिए। भगवान के निकट हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी तथा वीणा धारण किए पुष्टि देवी की भी प्रतिमा बनावें। इनकी ऊंचाई भगवत विग्रह के उर्वों के बराबर होनी चाहिए। इनके अलावा प्रभा मंडल में स्थित मालाधर और विद्याधर का विग्रह बनावें। प्रभा हस्ती आदि से भूषित होती है। भगवान के चरणों के नीचे का भाग अर्थात पादपीठ कमल के आकार का बनावें। इस प्रकार देव प्रतिमाओं में उक्त लक्षणों का समावेश करना चाहिए। पिंडी आदि के लक्षण। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन् अब मैं पिंडियों का लक्षण बता रहा हूं। पिंडी का लंबाई में प्रतिमा के समान ही होती है, परंतु उसकी ऊंचाई प्रतिमा से आधी होती है। पिंडिका को 64 कूटों पदों या कोष्टकों से युक्त करके नीचे की दो पंगी छोड़ दें और उसके ऊपर का जो कोष्ट है उसे चारों ओर दोनों पार्श्वों में भीतर की ओर से मिटा दें। इसी तरह ऊपर की दो पंक्तियों को त्याग कर उसके नीचे का जो एक कोष्ट या एक पंक्ति है उसे भीतर की ओर से यत्न पूर्वक मिटा दें। दोनों पार्श्वों में समान रूप से ये क्रिया करें। दोनों पार्श्वों के मध्यगत जो दो चौक हैं उनका भी मार्जन कर दें। तदनंतर उसे चार भागों में बांटकर विद्वान पुरुष ऊपर की दो पंक्तियों को मेखला माने। मेखला भाग की जो मात्रा है उसके आधे मान के अनुसार उसमें खाद खुदावें। फिर दोनों पार्श्व भागों में समान रूप से एक एक भाग को त्याग कर बाहर की ओर का एक पद नाली बनाने के लिए दे दें। विद्वान पुरुष
उसमें नाली बनवाएं, फिर तीन भाग में जो एक भाग है उसके आगे जल निकालने का मार्ग रहे। नाना प्रकार के भेद से यह शुभ पिंडी का भद्रा कही गई है। लक्ष्मी देवी की प्रतिमा ताल हथेली के माप से 8 ताल की बनाई जानी चाहिए। अन्य देवियों की प्रतिमा भी ऐसी ही हो। दोनों भवुओं को नासिका की अपेक्षा एक एक जौ अधिक बनावें और नासिका को उसकी अपेक्षा एक जौ कम। मुख की गोलाई नेत्र गोलक से बड़ी होनी चाहिए। ये ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आंखें बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। उनका माप 3.25 जौ के बराबर हो। नेत्रों की चौड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा आधी करें। मुख के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर के सूत से नाप कर कर्णपाश कान का पूरा घेरा बनावें। उसकी लंबाई उक्त सूत से कुछ अधिक ही रखें। दोनों कंधों को कुछ झुका हुआ और एक कला रहित बनावें। ग्रीवा की लंबाई 1.5 कला होनी चाहिए। वो उतनी ही चौड़ाई से भी सुशोभित हो। दोनों उरुओं का विस्तार ग्रीवा की अपेक्षा एक नेत्र कम होगा। जानू, घुटने, पिंडली, पैर, पीठ, नितंब और कटी भाग इन सब की यथा योग्य कल्पना करें। हाथ की अंगुलियां बड़ी हों, वे परस्पर अवरुद्ध न हों। बड़ी अंगुली की अपेक्षा छोटी उंगलियां 7वें अंश से रहित हो। जंघा, उरु और कांटे इसकी लंबाई क्रमशः 1-1 नेत्र कम हो। शरीर के मध्य भाग के आसपास का अंग गोल हो। दोनों कूच घने, परस्पर सटे हुए और पिन उभड़े हुए हों। स्तनों का माप हथेली के बराबर हो। कटी उनकी अपेक्षा 1.5 कला अधिक बड़ी हो। शेष चिन्ह पूर्ववत रहें। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्वफल हो। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्वफल हो। उनके पार्श्व भाग में हाथ में चवर लिए 2 सुंदरी स्त्रियां खड़ी हों। सामने बड़ी नाक वाले गरुड़ की स्थापना करें। अब मैं चक्रांकित शाल ग्राम मूर्ति आदि का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मन, अब मैं शाल ग्राम गत भगवान मूर्तियों का वर्णन आरंभ करता हूँ जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जिस शाल ग्राम शिला के द्वार में 2 चक्र के चिन्ह हों और जिसका वर्ण श्वेत हो उसकी वासुदेव संज्ञा है। जिस उत्तम शिला का रंग लाल हो और जिसमें 2 चक्र के चिन्ह संलग्न हो उसे भगवान संकर्षण का श्री विग्रह जानना चाहिए। जिसमें चक्र का सूक्ष्म चिन्ह हो, अनेक छिद्र हो, नील वर्ण हो और आकृति बड़ी दिखाई देती हो वो प्रद्युम्न की मूर्ति है। जहाँ कमल का चिन्ह हो, जिसकी आकृति गोल और रंग पीला हो तथा जिसमें 2-3 रेखाएं शोभा पा रही हों ये अनिरुद्ध का श्री अंग है। जिसकी कांति काली, नाभि उन्नत और जिसमें बड़े बड़े छिद्र हों उसे नारायण का स्वरूप समझना चाहिए। जिसमें कमल और चक्र का चिन्ह हो, पृष्ठभाग में छिद्र हो और जो बड़े बिंदु से युक्त हो वो शालग्राम परम श्रेष्ठी नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें चक्र का स्थूल चिन्ह हो, जिसकी कांति श्याम हो और मध्य में गदा जैसी रेखा हो उस शालग्राम की विष्णु संज्ञा है। नरसिंह विग्रह में चक्र का स्थूल चिन्ह होता है, उसकी कांति कपिल। नरसिंह विग्रह में चक्र का स्थूल चिन्ह होता है, उसकी कांति कपिल वर्ण की होती है और उसमें 5 बिंदु सुशोभित होते हैं। वाराह विग्रह में शक्ति नामक अस्त्र का चिन्ह होता है, उसमें 2 चक्र होते हैं जो परस्पर विषम समानता से रहित हैं। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान नीली होती है, वो 3 स्थूल रेखाओं से चिन्हित एवं शुभ होता है। जिसका पृष्ठ भाग ऊंचा हो, जो गोलाकार आवृत चिन्ह से युक्त एवं श्याम हो उस शालिग्राम की कूर्म कच्छप संज्ञा है। जो अंकुश किसी रेखा से सुशोभित नील वर्ण एवं बिंदु युक्त हो उस शालग्राम शिला को हैग्रीव कहते हैं। जिसमें 1 चक्र और कमल का चिन्ह हो, जो मणि के समान प्रकाशमान तथा पुच्छाकार रेखा से शोभित हो उस शालग्राम को बैकुंठ समझना चाहिए। जिसकी आकृति बड़ी हो, जिसमें 3 बिंदु शोभा पाते हो, जो कांच के समान श्वेत तथा भरा पूरा हो वो शालग्राम शिला मत्स्यावतारधारी भगवान की मूर्ति मानी जाती है। जिसमें मनमाला का चिन्ह और 5 रेखाएं हों उस गोलाकार शालग्राम शिला को श्रीधर कहते हैं। गोलाकार अत्यंत छोटी नीली एवं बिंदुयुक्त शालग्राम शिला की वामन संज्ञा है। जिसकी कांति श्याम हो,
दक्षिण भाग में हार की रेखा और बाएं भाग में बिंदु का चिन्ह हो। उस शालग्राम शिला को त्रिविक्रम कहते हैं, जिसमें सर्प के शरीर का चिन्ह हो, अनेक प्रकार की आभाएं दिखती हो तथा जो अनेक मूर्तियों से मंडित हो, वो शालग्राम शिला अनंत शेष नाग कही गई है। जो स्थूल हो, जिसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह हो तथा अधो भाग में सूक्ष्म बिंदु शोभा पा रहा हो, उस शालग्राम की दामोदर संज्ञा है। एक चक्र वाले शालग्राम को सुदर्शन कहते हैं। दो चक्र होने से उसकी लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें तीन चक्र हो, वो शिला भगवान अच्युत अथवा त्रिविक्रम है। चार चक्रों से युक्त शालग्राम को जनार्दन, पांच चक्र वाले को वासुदेव, छह चक्र वाले को प्रदुम्न तथा सात चक्र वाले को संकर्षण कहते हैं। आठ चक्र वाले शालग्राम की पुरुषोत्तम संज्ञा है। नौ चक्र वाले को नवयू कहते हैं। दस चक्रों से युक्त शिला की दशावतार संज्ञा है। ग्यारह चक्रों से युक्त होने पर उसे अनिरुद्ध, द्वादश चक्रों से चिन्हित होने पर द्वादशात्मा तथा इससे अधिक चक्रों से युक्त होने पर उसे अनंत कहते हैं। ब्रह्मन, अब मैं तुम्हारे सम्मुख पूर्वोक्त चक्रांकित शालग्राम विग्रहों की पूजा का वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान करने वाली है। श्रीहरि की पूजा तीन प्रकार की होती है, काम्या, अकाम्या और उभयात्मिका। मत्स्य आदि पांच विग्रहों की पूजा काम्या अथवा उभयात्मिकता हो सकती है। पूर्वोक्त चक्रादि से सुशोभित वराह, नरसिंह और वामन, इन तीनों की पूजा मुक्ति के लिए करनी चाहिए। अब शालग्राम पूजन के विषय में सुनो, जो तीन प्रकार की होती हैं। इनमें निष्कला पूजा उत्तम, सकरला पूजा कनिष्ठ और मूर्ति पूजा को मध्यम माना गया है। चौकोर मंडल में स्थित कमल पर पूजा की विधि इस प्रकार है। हृदय में प्रणव का न्यास करते हुए षडंग न्यास करें, फिर करण्य न्यास और व्यापक न्यास करके तीन मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात चक्र के बाह्य भाग में पूर्व दिशा की ओर गुरुदेव का पूजन करें। पश्चिम दिशा में गण का, वायव्य कोण में धाता का एवं नैमित्त कोण में विधाता का पूजन करें। दक्षिण और उत्तर दिशा में क्रमशः कर्ता और हर्ता की पूजा करें। इसी प्रकार ईशान कोण में विश्वकुसेन और अग्नि कोण में क्षेत्रपाल की पूजा करें। फिर पूर्वादि दिशाओं में ऋग्वेद आदि चारों वेदों की पूजा करके आधार शक्ति, अनंत, पृथ्वी, योगपीठ, पद्म तथा सूर्य, चंद्र और ब्रह्मात्मक अग्नि, इन तीनों के मंडलों का यजन करें। तदनंतर द्वादशाक्षर मंत्र से आसन पर शिला के स्थापना करके पूजन करें। फिर मूल मंत्र के विभाग करके एवं संपूर्ण मंत्र से क्रमपूर्वक पूजन करें। फिर प्रणव से पूजन करने के पश्चात तीन मुद्राओं का प्रदर्शन करें। इस प्रकार ये शालग्राम की प्रथम पूजा निष्कला कही जाती है। पूर्ववत षोडशदल कमल से युक्त मंडल को अंकित करें। उसमें शंख, चक्र, गदा और खड्ग, इन आयुधों की तथा गुरु आदि की पहले की भांति पूजा करें। पूर्व और उत्तर दिशाओं में क्रमशः धनुष और बाण की पूजा करें। प्रणव मंत्र से आसन समर्पण करें। और द्वादशाक्षर मंत्र से शिला का न्यास करना चाहिए। अब तीसरे प्रकार की कनिष्ठ पूजा का वर्णन करता हूँ, सुनो। अष्टदल कमल अंकित करके उस पर पहले के समान गुरु आदि की पूजा करें। फिर अठाक्षर मंत्र से आसन देकर उसी से शिला का न्यास करें।